हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो फेस्टिवल सीरीज। तो आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज मैं दो दिवाली स्पेशल क्राफ्ट बनाऊंगी जो कि कुछ दिन में आने वाला है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं सूफ लाभ के वॉल हैंगिंग्स बनाऊंगी, बट इसको कैसे इजीली घर पे स्टेप बाय स्टेप में बना सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट डिजाइन के लिए मैं एक स्क्वायर पीस का कार्डबोर्ड लिया है एंड उसके ऊपर मुझे जेसो अप्लाई करना था। तो जेसो तो मेरे पास नहीं था तो मैं घर में वॉल पुट्टी से इसको बना रही हूँ। वॉल पुट्टी का पाउडर और पानी को मिक्स करके जेसो बन जाता है, तो जेसो को अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इवनली मुझे इसके ऊपर अभी स्प्रेड करना है। स्प्रेड होने के बाद अभी एक टूथब्रश से मैं इसमें कुछ इम्प्रेशन ला रही हूँ ताकि एक डिज़ाइन आ जाएगा। तो टेक्सचर जैसा एक डिज़ाइन आ गया, तो ये ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं अभी एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ। बेस बन गया है तो इसको अभी डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेशन के लिए मैं लेसेस, स्टोन जो भी घर पर है वो यूज़ करके मैं इसको अभी एक डिज़ाइन दूँगी। मेरे पास ऐसे मोली का धागा था तो मैंने सोचा कि इसको भी इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि ये मोली बहुत पूजा में यूज़ होता है, बहुत शुभ होता है, तो इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पे एक लेयर लगा दिया। अभी स्टोन से थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। अभी मुझे सूप का लेटर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको रेडीमेड भी सूप लाभ का जो लेटर होता है मिल जाता है तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे भी क्ले से बना सकते हैं। बहुत इजी है, बस आप लिख लीजिए कोई पेपर से और उसके ऊपर एक शीट पेस्ट करके, प्लास्टिक का शीट, इसके ऊपर आप बस वही जो हमारी लाइन से उसके ऊपर हमें ऐसे क्ले को यूज़ करना है और इसको कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। अभी अच्छे से ड्राई हो गया है तो आप देख सकते हैं कितने इजीली निकल गया। तो अभी मैं इसके ऊपर सबको पेस्ट कर दूंगी। सूप का प्लेट अभी बन गया है तो इसके लिए अभी मुझे एक छोटा सा हैंगिंग बनाना है नीचे लगाने के लिए। ये क्यूट सा लटकन मेरा बन गया है तो इसको अभी मास्किंग टेप से मैंने लगा दिया है और एक हैंगिंग लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही मैंने लाभ का भी प्लेट बना दिया तो देख सकते हैं दोनों का पेयर कितना सुंदर लग रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि हम सूप लाभ की लेटर रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक मैंने और एक सैम्पल बनाया है तो आप देख सकते हैं इसका भी डिज़ाइन। तो दोनों का ऑप्शन बहुत अच्छा है, जो आपके पास अवेलेबल हुए आप उससे बना सकते हैं। सेकेंड डिजाइन के लिए कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे कट कर दिया है और अभी इसके ऊपर मुझे टिश्यू पेपर पेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं ग्लू और पानी को थोड़ा मिक्स करके टिश्यू पेपर से ये कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर कर दूंगी। टिश्यू पेपर को पेस्ट करके इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और इन द मेन टाइम मैं दो ऐसे कार्डबोर्ड पीस को लेके एक के ऊपर एक पेस्ट कर दूंगी एंड इसके ऊपर भी मैं वही सेम टिश्यू पेपर से इसको भी कवर कर दूंगी। और अभी दोनों मेरे ड्राई हो गए हैं तो इसको मैं दोनों को एक साथ जॉइन कर रही हूँ।
कलरिंग के बाद इसको डेकोरेट करने के लिए मैं पहले जो जो मटेरियल यूज़ किया था जैसे कि मिरर, मोली, ये सब को यूज़ करके मैं इसको भी डेकोरेट कर दिया है। इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे मोली का धागा ही यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा बन गया और एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन। सेम डिज़ाइन में मैंने और एक दूसरे कलर से इसको बनाया है, तो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। कम मटेरियल्स और कम टाइम में बनने वाला ये दो ब्यूटीफुल शुभ लाभ का पेयर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। आज का ये वीडियो और आइडियाज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर देना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग फेस्टिव आइडियाज़ के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।